यीशु, मेरा ग्रुप का नंबर है 5 नंबर, और ग्रुप में जो भी चर्चा हुआ, प्रार्थना हुआ, अच्छा हुआ, सबको अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक अनुभव बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ब्रदर जी ने हमें सिखाया पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में, लेकिन मेरा अनुभव, ब्रदर जी ने सिखाया, मुझे अनुभव हुआ कि पवित्र आत्मा हमें बत्तीसवां के समय मिल गया। कब मिला? बत्तीसवां के समय हमें पवित्र आत्मा मिला। पवित्र आत्मा गिफ्ट है, वरदान है। क्या है? वरदान है, गिफ्ट है पवित्र आत्मा। और उसके जो अंदर सब कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? चंगाई, जो भी है, रोग मुक्त करना, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा बत्तीसवां के समय मिला है तो वो वापस जाता नहीं, क्यों? ब्रदर ने कहा हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम क्या हैं? पवित्र आत्मा का मंदिर। तो ईश्वर, पवित्र आत्मा मंदिर छोड़कर कभी नहीं जाता, चाहे तुम पाप करो या ना करो। ईश्वर क्या है? कभी अपना मंदिर छोड़कर नहीं जाता। ये मेरा अनुभव हुआ। और उसके साथ ही साथ मुझे एक अनुभव हुआ कि पवित्र आत्मा गिफ्ट है, बाकी उसके साथ है। चंगाई करने का गिफ्ट जो बोलते हैं वो उसके साथ है। वो सभी चीज़ों को हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे प्रैक्टिस के द्वारा, जैसे हमको सिखाया ग्रुप बनाने के बाद कि आप लोग प्रैक्टिस करो, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे चंगाई करना है, कैसे बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं, क्या वो उसके अंदर है। तो हमें घर जाकर पवित्र आत्मा स्पेशल आपको चंगाई का वरदान देने वाला नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ ही है। पवित्र आत्मा वरदान है, ईश्वर का वरदान पवित्र आत्मा है, जो हमें बत्तीसवां के समय मिला है। तो उसके अंदर सब कुछ है, हमें सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस करना है। समय होगा तो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण भी देता हूँ, दू क्या? तो जैसे जिस प्रकार लाइट, अभी ये कौन से आ गया, हेलो, इसको क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट। पहले था लाल वाला बल्ब, लाल वाला जो बल्ब था वो किसी घर में लगा था, सभी के घर में था। मैं एक घर का उदाहरण देता हूँ, घर में वो लाल वाला लाइट था। तो कुछ दिन के बाद क्या हो गया, उसमें धूल बैठ गया, उसमें धूल बैठ गया, और फिर धीरे धीरे प्रकाश देना कम हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया, प्रकाश देना कम हो गया। लेकिन घर वाले को क्या लगा कि इसका जो बिजली कनेक्शन, बोले तो वोल्टेज बोलते हैं ना, वो कम है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए उसने एमएससीबी ऑफिस को शिकायत किया कि हमारे घर का जो वोल्टेज है वो कम होता है, प्रकाश कम देता है। उसने वहाँ पर आवेदन डाला तो जो एमएससीबी के ऑफिस वाले ने बोला कि वोल्टेज कम नहीं है, तुम्हारे बल्ब के ऊपर क्या हो गया है, धूल मिट्टी जम गया है, उसे बंद करना और ठंडा होने के बाद कपड़े लेना और उसमें पानी लगाकर गला गीला कपड़ा करके साफ पोछ लेना, वो फिर से प्रकाश देना चालू करेगा। उसी प्रकार किया और वो क्या हो गया, नया बल्ब के जैसे प्रकाश देना चालू किया। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमारे पाप के कारण उसके सामने धूल मिट्टी जमा हुआ है, उसे साफ करना जरूरी है, फिर पवित्र आत्मा का प्रकाश ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाएगा। मैं ये बोलकर अपना शब्द बनकर, सबको जय यीशु।